तो कैसे हो दोस्तों, आज हम बात करने वाले LCD के बारे में। आखिरकार LCD क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताएंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं LCD के बारे में। आखिरकार LCD का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूँ कि LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये आमतौर पर फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन और TV बनाने में है। इसके अलावा भी इसका उपयोग स्मार्टफोन के स्क्रीन के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति मनोरंजन के लिए अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करते हैं। वे अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल, TV का उपयोग इत्यादि। इसलिए वे अपने मनोरंजन के लिए ज़्यादातर TV और स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। समय के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति कुछ एडवांस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि LCD क्या है। TV के एडवांस रूप को ही LCD कहते हैं। ये TV ही होती है, परंतु पुराने CRT TV की तुलना में बहुत ही अधिक एडवांस होती है। LCD पुरानी TV के तकनीक पर नहीं बल्कि आधुनिक समय के नए तकनीक पर कार्य करता है। ये एक प्रकार की स्क्रीन होती है जिसका उपयोग कई बिजली से चलाने वाले साधनों जैसे घड़ी, DVD प्लेयर, TV, वीडियो गेम, टेबलेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन इत्यादि में किया जाता है। ये एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस होता है जो कि मोनोक्रोम में चित्रों को उत्पन्न करता है और एक डिस्प्ले पर दिखाता है। मोनोक्रोम में चित्रों को उत्पन्न करने का कार्य लिक्विड क्रिस्टल का होता है। LCD बहुत ही कम बिजली पर कार्य करती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, LCD TV CRT TV की तुलना में बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं। LCD TV खुद से चित्रों को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि दूसरे स्रोत की मदद से उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। इसी क्रिया के कारण चित्र प्रदर्शित होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार LCD किस सिद्धांत पर काम करती है। तो इलेक्ट्रिकल करंट को जब हम लिक्विड क्रिस्टल कण में प्रवेश करते हैं, तब ये मॉलिक्यूल के अंदर मिल जाता है, जो कि प्रकाश के कोण का निर्धारित करने लगता है और इसी कारण चित्र प्रदर्शित होता है। इसमें लिक्विड क्रिस्टल भरे होते हैं, इसी के कारण प्रत्येक जगह से अलग अलग प्रकार के प्रकाश स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। इसको बनाते समय पीछे की तरफ एक परावर्तन कांच लगा दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि LCD कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली LCD दो प्रकार की होती है, STN LCD और DS LCD। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं STN LCD के बारे में। इसका फुल फॉर्म सुपर ट्विस्टेड नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इस LCD में बहुत ही परतें होती हैं जो कि कणों के दो भागों के मध्य होती हैं। लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल के द्वारा सभी परतों को एक ही कोण पर घुमाया जाता है और इसका घुमाव कोण 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक घूमता है। इसके बाद दूसरा DS LCD। इसका पूरा नाम डायनेमिक स्कैटरिंग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल की परतों पर बहुत ही पतले कांच के अंदर किसी पदार्थ की पुताई की हुई होती है, जिसमें बिजली को प्रवेश कराने पर LCD के मॉलिक्यूल अपने आप ही रीसेट हो जाते हैं और स्क्रीन पर चित्र दिखाई देने लगता है। तो आज मैं आपको TV के 3 ऐसे प्रकार बताऊंगा जो आपको शायद पता नहीं होगा। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहला TV है LCD TV। LCD TV के कैथोड रे ट्यूब यानी पारंपरिक TV से पतली और हल्की होती है। LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। इस तकनीक में छोटे छोटे लिक्विड सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बीच से लाइट निकल करके एक पिक्चर क्रिएट करती है। ये साइज में कैथोड रे ट्यूब से बड़ी होती है। LCD डिस्प्ले में रेड, ग्रीन, ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है। LCD का प्रयोग मॉनिटर, TV उपकरणों के पैनल के साथ ही आम जिंदगी में प्रयोग होने वाले कई उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साधारण स्क्रीन के मुकाबले इसमें बिजली की भी कम खपत होती है। तो इसके बाद हमारी लिस्ट में दूसरा नंबर TV है LED TV यानी लीड बैकलाइट डिस्प्ले। ये एक तरह की फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। लीड तकनीक का प्रयोग TV के अलावा नोटबुक, मोबाइल फोन, DVD प्लेयर और वीडियो गेम आदि में किया जाता है। LED तकनीक को LCD और CRT तकनीक से कई गुना बेहतर माना जाता है। LED TV साधारण TV और LCD के मुकाबले बिजली की कम खपत करता है। इसके अलावा इसकी पिक्चर क्वालिटी भी दमदार होती है, इसकी लाइफ भी ज्यादा होती है। LED कोल्ड कैथोड तकनीक पर काम करती है। हमारी लिस्ट में तीसरा नंबर है प्लाज्मा TV। क्या आपने कभी इस प्रकार की TV देखी है? तो प्लाज्मा TV भी CRT का ही विकल्प है। ये एक प्रकार का हाई डेफिनेशन TV होता है, यानी कि HD TV होता है। प्लाज्मा एक वैज्ञानिक शब्द है जिसको नियोन और जेनोन आदि गैसों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। इसमें हजारों की संख्या में छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, जिसमें रेड, ब्लू, ग्रीन कलर का प्रयोग किया जाता है। प्लाज्मा की डिस्प्ले एकदम फ्लैट होती है, जिससे इसे सीधे दीवार पर लगाया जा सकता है।
साधारण टीवी के मुकाबले इसका वजन काफी कम होता है और देखने में आकर्षक लगती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि टीवियों के भी 3 प्रकार होते हैं। अब इसमें से आप कौन सा टीवी खरीदना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।